तराना नगर पंचायत ने बस स्टैंड पर दुकान बनाने का निर्णय लिया था। इसकी नीलामी में व्यापारियों ने खासा उत्साह दिखाया, लेकिन दुकानों के सामने ही मछली बाजार था, जिसकी वजह से दुकानें नहीं खुल पा रही थी। दुकानदारों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की। एसडीएम एकता जायसवाल दल बल के साथ मौके पर पहुंची और मछली मार्केट में बनी दुकानों को हटाया। मछली व्यापारियों ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन प्रशासन के सामने उनकी एक न चली। हालांकि एसडीएम ने मछली मार्केट के लिए वैकल्पिक जगह का आश्वासन दिया है। मैडम ऐसे सिर्फ अवैध दुकान हमारी हटा रहा है। हाँ। अवैध दुकान अन्य है। हाँ। अन्य दुकान हमने बताया कि अन्य दुकान क्यों नहीं हटे अवैध। हाँ। मैडम कह रहे कि मेहरदान के आप इससे बात करो, तो हमारे से नहीं कह रहे कि आप इस नाम की बात करो, सिर्फ उनसे कह रहे कि आप इस नाम की बात करो। तो मेरा मतलब कि हम भी अवैध है क्या? जी सारे दुकान अवैध है। हमने कोई अवैध इसके ऊपर कोई निर्माण नहीं किया है। स्ट्रीट वेंडर में तराना में बस स्टैंड के पास एक मच्छी बाजार था, मेरी जानकारी में था। एक दो बार समझाई भी थी मैंने, और वो लोग हमेशा ये कहते कि हम कहाँ जाएंगे, वैकल्पिक स्थान की मांग करते रहे। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको स्थान या दुकान दे। आज उनको यहाँ बलपूर्वक हमने हटा दिया है, कल समझाई भी दे रही थी। और चूंकि बस स्टैंड पे बहुत कीमती दुकानें नीलामी में लोगों ने ली है, दुकानें चालू नहीं कर पा रहे, और इसके कारण नगर पालिका का लगभग 40 लाख रुपये टैक्स भी कटाया है। आज हमने ये कार्रवाई की है, अब हमारा टैक्स भी वसूल हो जाएगा और दुकानदार दुकान भी लगा सकता है। अब इनको यहाँ से जो हटाया गया है, इनको कहीं स्थान दिया जाएगा या फिर इनकी अभी हमने इनको एक स्थान बताया है। वैकल्पिक व्यवस्था हमको बना के देना पड़ेगा। मार्केट जिस तरह का मच्छी मार्केट देना है, हम उस पर विचार कर रहे हैं।